कोरोना एक वायरस है और यदि हम किसी भी वायरस की मूल प्रकृति पोषण समझ ले तो हमें इसके संक्रमण को रोकने की जानकारी मिल सकती है। एक वायरस अकेले नहीं रह सकता है, आपके पास एक मेजबान कोशिका होस्ट सेल होना चाहिए। लेकिन एक वायरस के पास स्वयं का कोई दोहराव वाला डीएनए सॉफ्टवेयर नहीं होता है। इसके लिए इसे आपकी कोशिकाओं में जाना पड़ेगा और फिर यह आपके फोटोकॉपी सॉफ्टवेयर को हाईजैक करेगा और खुद को दोहराने के लिए आपके डीएनए प्रतिकृति क्षमताओं का उपयोग करेगा और इन प्रकार ये एक से दो, दो से चार हो पाएंगे। मतलब कोई भी वायरस स्वयं से डुप्लीकेट नहीं हो सकता। एक वायरस एक परजीवी है क्योंकि यह होस्ट से केवल लेता है, लेकिन यह वापस संक्रमण के अलावा कुछ देता नहीं है, परंतु बैक्टीरिया दे सकते हैं, जैसे कि अच्छे बैक्टीरिया पाचन आदि में मदद करते हैं। वायरस केवल एक ग्लाइकोलाइटिक उच्च परिसंचारी चीनी जो आपके रक्त में पाई जाती है वातावरण में पनप सकते हैं। वे ग्लूकोज पर रहते हैं क्योंकि हम पूरे दिन कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, ये पाचन के द्वारा रक्त में आ जाती है और इसी रक्त शर्करा में वायरस पनपते हैं। यदि आप एक केटोजेनिक या मांसाहारी आहार, ऐसे आहार जिसमें उच्च प्रोटीन या वसा और कम कार्बोहाइड्रेट हो का पालन करते हैं, तो आप एक वसा बने हैं और उस वातावरण में एक वायरस इतना प्रसार नहीं कर सकता है। उपवास व वायरस संक्रमण। उपवास और ऑटोफैगी सेल आत्मविनाश सफाई एक वायरस से छुटकारा पाने के खिलाफ नंबर एक बचाव है। यही कारण है कि जब आप बीमार होते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होता है कि शरीर स्मार्ट है। नींद व वायरस संक्रमण। आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, जितना हो सके आप इसे प्राथमिकता दें। जब तक आप सो नहीं जाते तब तक आपके अधिवृक्क हार्मोन बंद नहीं होंगे और ये संक्रमण फैलाने में सहायक है। तनाव व संक्रमण। तनाव घबराहट प्रतिरक्षा प्रणाली को कम करता है। यदि आप फेसबुक पर पूरी रात बैठे रहते हैं तो आप पुराने तनाव में हैं और स्थायी रूप से कम प्रतिरक्षा प्रणाली होगी। व्यायाम व संक्रमण। वजन उठाना व्यायाम करना शुरू करें। अधिक मांसपेशियों का मतलब है कि अधिक कार्बोहाइड्रेट और चीनी का उपभोग करने के लिए अधिक ग्लाइकोजन भंडारण। इसके अलावा मजबूत लोगों को मारना कठिन है, संक्रमण रोकने में यह बहुत अधिक उपयोगी होगा। पोषक तत्व व संक्रमण। पोषक तत्वों की कमी, खराब आहार, सोशल मीडिया पर पूरी रात बैठे रहना, नींद की कमी, सूरज की रोशनी की कमी, D3 और उच्च चीनी आहार किसी भी वायरस के लिए एक आदर्श वातावरण है, इससे बचे। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आप पर निर्भर है। आपको अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सक्रिय होना चाहिए, जैसे आप अपने शरीर के किसी अन्य हिस्से को मजबूत करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।